हाय दोस्तों, नमस्ते किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बैंगन के पकोड़े। बैंगन के पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पर हम एक बड़ा वाला बैंगन लेंगे और उसके छोटे बारीक स्लाइस करके लेंगे। ये देखिए, ऐसे पतले स्लाइस हमें बनाने हैं। अब हम यहाँ पर एक बाउल में 1 कप बेसन डालेंगे, 1 टेबलस्पून चावल का आटा डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे, चुटकी भर हींग डालेंगे, 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, कटी हुई धनिया पत्ता डालेंगे, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर बना लेते हैं। हमें यहाँ पर थोड़ा सा गाढ़ा बैटर बनाना है। अब हम यहाँ पर तलने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम एक बैंगन के स्लाइस लेकर उसे घोल में डिप करके तेल में डाल लेते हैं। यहाँ पर हमें पकोड़े को मध्यम आंच पर अच्छी तरह से तल लेना है। ये देखिए, हमारे पकोड़े कितने अच्छी तरह से फूल रहे हैं। ये देखिए, हमारे पकोड़े दोनों तरफ से अच्छी तरह से तल चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। दोस्तों, बैंगन काटने के बाद आप उसे पानी में डालें, नहीं तो वो काले पड़ जाएंगे। ऐसी रेसिपी देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए।